नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रसोई में एक नई और यूनिक टेस्टी स्वीट बनाने जा रहे हैं, जो कि सावन स्पेशल है। फ्रेंड्स, सावन का महीना है, राखी का त्योहार आने वाला है, तो आप सब भी मेरी इस डिश को अवश्य ट्राई करें। नारियल चौको लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया हुआ है। यह है 1 लीटर दूध है। फ्रेंड, देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई पड़ी हुई है। मैंने यह भी नहीं निकाली है, क्योंकि हमें यह मलाई सहित ही लेना है। अब आप इसको एक पैन में डालकर अच्छे से गाढ़ा होने दें। फ्रेंड्स, इसको आप हाई फ्लेम पर ही बॉईल करें, क्योंकि लो फ्लेम पर बॉईल करने से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और हाई फ्लेम पर इसको बॉईल करने से इसका कलर एकदम से व्हाइट ही रहेगा। A few moments later. फ्रेंड्स, ये देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हमने जो एक कटोरी भरकर नारियल लिया था, यह लगभग 200 ग्राम नारियल बुरादा है। आप इसमें यह डाल दें और इसको इसमें मिक्स करें। ये देखिए फ्रेंड्स, नारियल एकदम से दूध में सूख चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर यह पाउडर शुगर है, अगर आप चाहें तो सीधे शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें 4 चम्मच पाउडर शुगर डाली हुई है। फ्रेंड्स, शुगर को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो आप इसमें 1 चम्मच शुगर और ऐड कर सकते हैं, बट फ्रेंड यह 4 चम्मच से ही काफी मीठा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा और चलाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि शुगर इसमें एकदम से मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि वह ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में थी। अब फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर एकदम से तैयार है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी फुल क्रीम दूध लिया हुआ था, तो हमें यहाँ घी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हमारा मिक्सचर एकदम से तैयार है। आप गैस को बंद कर दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब तक हमारा नारियल का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम तब तक इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये अमूल की डार्क चॉकलेट ली हुई है, आप और भी कोई ब्रांड ले सकती हैं। अब इसको मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म करने रखा हुआ है। पानी गर्म हो चुका है। अब आप पानी को इस प्रकार के एक बड़े कटोरी में डाल दें। इसके ऊपर आप इस प्रकार से दूसरा कटोरा रखें, और हमने जो चॉकलेट ली हुई थी आप उसको इस कटोरे में डाल दें। फ्रेंड्स, चॉकलेट हमेशा इसी प्रकार से मेल्ट करनी चाहिए। इस प्रकार आप इसको ऐसे चलाएंगे तो यह चॉकलेट अभी 5 मिनट में मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, चॉकलेट एकदम से मेल्ट हो चुकी है। अभी आपको एक चॉकलेट वाली जो बाउल है, आपको इसी गर्म पानी में ही रखे रहनी है, क्योंकि हम इसको बाहर निकालेंगे वैसे ही ये जमने लगेगी, तो इसलिए आप अभी इसको इसी में छोड़ दें। अब हम अपने मिक्सर को देखते हैं। हमारा मिक्सर एकदम से ठंडा हो चुका है। अब आप इसके इस प्रकार से छोटे छोटे लड्डू तैयार करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नारियल लड्डू बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम इनको इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन हम इनको एक नया लुक देने के लिए नारियल चोको लड्डू बना रहे हैं, जो कि बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ नई मिठाई बनकर तैयार होती है। फ्रेंड्स, जो हमने चॉकलेट मेल्ट की हुई थी, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब आप इसमें एक एक लड्डू लेकर इस प्रकार से डिप करें और इस पर
रख दे। इसी प्रकार से फ्रेंड आप सारे लड्डुओं को डिप करके एक ट्रे में अलग रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ लड्डू चॉकलेट में डिप कर दिए हैं। अब आप इनको इसी प्रकार से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि हमारी चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चॉकलेट लड्डू की चॉकलेट एकदम से सेट हो चुकी है और देखने में भी कितनी यम्मी लग रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी सावन स्पेशल रेसिपी है चॉकलेट नारियल लड्डू, जो कि बहुत ज्यादा पसंद होती है बच्चों को, खाने में भी एक नया टेस्ट आता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।